हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मैं धर्मेंद्र मोजिद्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। इससे पहले आई होप सबको मजा आया होगा कॉलेज सिस्टम सीखने में। कॉलेज सिस्टम की पूरी सीरीज वन बाय वन मैंने सारे वीडियो सभी वेरिएशन के साथ में बताए हैं आपको। कॉलेज सिस्टम क्या है वो सबको पता है, और जो कॉलेज सिस्टम सीखना चाहता है पूरी तरह से मेरे सारे वीडियो देख लीजिए। पूरी सीरीज है इससे पहले के सारे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार ओपनिंग लाया हूँ। बहुत ही शानदार इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है जब व्हाइट अपना पहला मूव D4 से शुरू करता है। अब जनरली आपको पता है कि अगर कोई E4 खेले तो नॉर्मल ओपनिंग कोई भी खेल सकता है, जिसे कोई दिक्कत नहीं होती। E5 कोई प्लेयर सिसिलियन सीख के आता है वो सिसिलियन खेलता है, कोई कैरोकान अपनी पसंद से खेल सकता है, कोई फ्रेंच खेल सकता है, कोई स्कैंडिनेवियन खेल सकता है अपनी पसंद से, जैसे कि मैं खेलता हूँ। तो दोस्तों E4 अगेंस्ट तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, पर D4 अगेंस्ट बहुत कंफ्यूजन होती कि क्या खेले। गेम दब जाती है, प्रेशर में आ जाती है, ब्लॉक हो जाती है, पोजिशनल प्ले खेलना पड़ता है D4 के सामने, और पोजिशनल प्ले में व्हाइट को ज्यादा एडवांटेज रहता है। तो चलिए मैं आज आपको हाउ टू प्ले अगेंस्ट D4 आज से शुरू करता हूं D4 अगेंस्ट खेलने की पूरी सीरीज। तो जो लोग D4 अगेंस्ट खेलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखे दोस्तों, क्योंकि वन बाय वन सारे वीडियो आपको अगेंस्ट D4 ही मिलेंगे और मैं एक भी चैप्टर मिस नहीं करने वाला हूं। तो प्ले अगेंस्ट D4 में क्या क्या हो सकता है, तो मैं आपको क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टर के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। D5 देन C4, ये होता है व्हाइट की क्वींस गैम्बिट लाइन। तो क्वींस गैम्बिट यहाँ पे VC आनंद की भी फेवरेट लाइन है, तो मैं यहाँ पे D x C4 एक्सेप्टेड, QGA इसे कहते हैं, क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, इस लाइन से मैं आपको खेलना सिखाऊंगा। ओके, अब बहुत कंफ्यूजन भी होगा आपको कि सर किसी ने यहाँ पे क्वींस गैम्बिट नहीं खेला और हमने D4 तो D5 कर दिया है, लेकिन कंफ्यूजन क्या है। मान लो कि किसी ने यहाँ पे लंदन सिस्टम खेल दिया तो हमें क्या करना है, किसी ने पोलिश सिस्टम खेल दिया तो हमें क्या करना है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढने हैं तो मेरे ही वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वन बाय वन मैं पूरा चैप्टर आपको सिखाऊंगा। इसीलिए चैनल से जुड़े रहिए। जैसे मैं क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड में पहले D4 D5 C4 टेक्स D5, अब पहला जो चैप्टर है उसमें वाइट थर्ड अल्टरनेटिव देखेंगे हम, दूसरा जो है सेंट्रल वेरिएशन देखेंगे, थर्ड जो है मेनहेम वेरिएशन देखेंगे, फोर्थ है टू नाइट वेरिएशन, फिफ्थ है फुरमान वेरिएशन, सिक्स्थ है क्लासिकल वेरिएशन, सेवन्थ अल्टरनेटिव, सेवन्थ है क्लासिकल वेरिएशन, सेवन्थ A4, सेवन्थ उसके बाद 8 नंबर का चैप्टर है जिसमें है क्लासिकल सेवन्थ बिशप B3। 9th नंबर के चैप्टर में हम देखेंगे 7th Qe2 B5 देन Bd3, 10th नंबर में Qe2 B5 देन Bd3, और 11th चैप्टर में Qe2 B5 Bb3 Bb7 Rd1। देखो अब इसमें आपको कोई भी मिस नहीं होगा क्योंकि यहां तक हमने 9th मूव तक का आपको कैलकुलेशन बता दिया है। पार्ट 2 में आप देखोगे विदाउट C4, मतलब व्हाइट अगर C4 नहीं करता है तो उसके अलग अलग, जिसमें ऑक्सन अटैक है D4 D5 बिशप G5, ये होता है ऑक्सन अटैक, वर्सोव ओपनिंग जिसमें नाइट C3 खेलता है व्हाइट सेकंड मूव में D5 के सामने, और नाइट F6 ब्लैक खेलेगा और बिशप G5 ये व्हाइट का रिप्लाई होगा। फिर लंदन सिस्टम, तो D4 D5 नाइट F3
नाइट एफ सिक्स और बिशप एफ फोर, ये प्रॉपर लंदन सिस्टम है। कई लंदन सिस्टम में पहले से बिशप एफ फोर खेल लेते हैं, तो समझ जाना है कि यह भी लंदन ही होने वाला है। किंग्स फियान चट्टो वो भी मैं बताऊंगा, टोर अटैक भी दिखाऊंगा, कोले भी दिखाऊंगा, स्टोन वॉल डच भी दिखाऊंगा और ब्लैक मार भी दिखाऊंगा। मतलब सभी डी फोर अगेंस्ट के वाइट के जितने भी मूव्स हैं सभी आप एक ही सीरीज में सीख जाओगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए आज शुरू करते हैं मेन लाइन क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। डी फोर डी फाइव वाइट प्लेड सी फोर, यहाँ पे क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड मेन लाइन में जाते हैं हम पहले डी इंटू सी फोर। मेन लाइन में वाइट क्या खेलता है, तो मेन लाइन में वाइट का बेस्ट चॉइस है नाइट एफ थ्री। ब्लैक से आपको सेम रिप्लाई देना है नाइट एफ सिक्स, उसके बाद ई थ्री जो बिशप टेक सी फोर की थ्रेट है। वैसे भी हमें ये पॉन दे देना है, यहां हम खेलेंगे ई सिक्स। आफ्टर बिशप टेक सी फोर यहां आपको बेस्ट चॉइस है सी फाइव। सेंटर ब्रेक करना बहुत जरूरी है, वो भी अर्ली ब्रेक करना जरूरी है। व्हाइट यहां पे कैसल करेगा क्योंकि पॉन टेक्स पॉन मेरे हिसाब से गलत है। आफ्टर क्वीन टेक्स क्वीन व्हाइट लॉसेस हिज कैसल, तो व्हाइट यहां पे कैसलिंग करेगा, ये फोर्स मूव है। यहां ब्लैक से आपको खेलना है ए सिक्स। जनरली ए सिक्स के रिप्लाई में व्हाइट खेलता है क्वीन ई टू, जैसे क्वीन मूरा गैम्बिट का स्ट्रक्चर बनाने का प्लानिंग रहता है। क्वीन ई टू के सामने आपको खेलना है बी फाइव, व्हाइट की बेस्ट चॉइस हो बिशप बी थ्री। यहां आपको खेलना है बिशप बी सेवन, रुक डी वन और यहां नाइट बी डी सेवन। अब देखो ये क्लासिकल के मेन लाइन नाइन मूव हो गए दोस्तों। इस पोजीशन के बाद आप काफी हद तक अच्छी तरह से खेल सकोगे। बिशप ई सेवन और कैसलिंग के बाद कंप्लीट आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट में आप पॉन एक्सचेंज करना तो एक्सचेंज कर सकते हो, रुक सी एट करके रुक बिहाइंड पास पॉन करके आप खेल सकते हो, प्रेशर भी बढ़ा सकते हो। ओके, यहां पहला हमने देख लिया, अब दूसरा हम देखेंगे वाइट थर्ड ऑल्टरनेटिव। थर्ड ऑल्टरनेटिव में मेरे पास फिलहाल दो लाइन तैयार है, मैं सभी लाइन बनाता रहता हूं तैयारी में। डी फोर डी फाइव सी फोर डी इंटू सी फोर। अब थर्ड ऑल्टरनेटिव में हम देखेंगे, ये तो मैंने नाइट एफ थ्री जो मेन लाइन है वो बता दी आपको, एक हम देखेंगे नाइट सी थ्री और दूसरा ऑल्टरनेटिव थर्ड मूव में ई थ्री, ये दोनों देख लेते हैं। कभी कभी रेयर लाइन भी देखना जरूरी है। अब देखो जब आप पॉन कैप्चर करते हो तो बहुत सारे प्लेयर जो क्वीन ए फोर चेक देके भी खेलते हैं, इसे रेयर कहते हैं, अच्छा नहीं है ज्यादा। नाइट सी सिक्स आपका डेवलप होता है चेक में। व्हाइट खेलता है नाइट एफ थ्री क्योंकि डी फोर पे हम भी पॉन अटैक कर रहे हैं, अगर क्वीन टेक्स पॉन किया तो आप क्वीन इंटू डी फोर कर दोगे तो सिंपल विनिंग हो जाएगा। यहाँ पे व्हाइट खेलेगा बिशप टू, यहाँ पे ब्लैक से आपको खेलना है बिशप जी फोर। व्हाइट खेलेगा नाइट सी थ्री, यहां बिशप टेक्स एफ थ्री, ई टेक्स एफ थ्री, उसके बाद आपको खेलना है ई सिक्स। ये दोस्तों प्रॉपर मेन लाइन है। ब्लैक खेलेगा बिशप ई थ्री, नाइट एफ सिक्स, बिशप टेक्स सी फोर और ए सिक्स। तो ये जो रेयर लाइन है क्वीन ए फोर उसमें आप इस स्ट्रक्चर से खेल सकते हो और यहाँ पे बी फाइव की थ्रेट भी दे सकते हो। नेक्स्ट में आप बिशप बी फोर भी कर सकते हो, बिशप डी सिक्स, बिशप बी सेवन, कैसलिंग, मतलब आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। चलिए अब देखते हैं थर्ड ऑल्टरनेटिव वाइट्स नाइट सी थ्री। पॉन टेक्स पॉन के बाद वाइट खेलेगा नाइट सी थ्री, यहां पे आपको खेलना है ए सिक्स। व्हाइट रिप्लाई देगा ई फोर,
यहाँ पे आपको खेलना है b5। अब जो क्वींस गैम्बिट आपने एक्सेप्ट किया तो उसे पॉन को बचाने का हम जस्ट ट्राई कर। वैसे तो बचते नहीं है ऐसे पॉन a4, क्योंकि वाइट तुरंत ब्रेक लेगा। यहां पे आपको खेलना है b4, नाइट b1, ये बेस्ट चॉइस होती है इसमें, नाइट b1। यहां आपको बिशप b7 करना है, सेंटर पॉन पे अटैक करो, ताकि अगर बिशप टेक c4 हो तो बिशप इंटू e4 आपको सेंटर वाला पॉन मिल जाए। इसे बचाने के लिए वाइट के पास एक ही बेस्ट चॉइस होती है f3। f3 के बाद यहां आपको खेलना है e5, फिर से पॉन ब्रेक। अगर पॉन टेक पॉन किया तो आप क्वीन d1 कर लो, d takes e5। अगर वाइट ने मान लो कि यहां पे d5 किया तो d5 में आपको c6 करके सिंपल खेल लेना है, और कॉन्टेक्स एक्सचेंज होने के बाद नाइट डेवलप होता है, लेकिन जनरली लोग इसे कैप्चर कर लेते हैं। और यहाँ कैप्चर होने के बाद क्वीन d1 आफ्टर किंग d1, फिर आपको नाइट c6, इस पॉन को बचाने के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों। वैसे भी हमारा पॉन डबल है, हम डेवलप में ध्यान देंगे, काउंटर में 95 मिल रहा है। बिशप c4, और यहाँ पे आपको डायरेक्टली लॉन्ग कैसल करके चेक देना है। व्हाइट यहाँ पे नाइट d2 खेलेगा डेवलप विथ डिफेंस, और यहाँ आप खेल सकते हो नाइट टेक्स e5, बिशप पे थ्रेट। अब देखो बिशप e2 ये बेस्ट चॉइस होती है, लेकिन आफ्टर b3 तो काफी हद से ब्लैक ने शुरुआत से व्हाइट पे प्रेशर बना दिया। तो ये पोजीशन में आप देख सकते हो कि ब्लैक काफी हद से प्लस पोजीशन में। अब इस पॉन को मेंटेन रखना है दोस्तों। गेम आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे, मान लो कि इस पॉन के प्रेशर के लिए अगर व्हाइट किंग मूव कर लेता है और नाइट टेक्स पॉन के थ्रेट देता है तो आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करके खुद ही मूव ढूंढिए। ओके, मैं बताता हूँ। यहाँ पे बिशप टू b4, फिर से नाइट को पिन कर दो, प्रेशर में कंटिन्यू रखो। एक पॉन के बदले अगर आपका धीरे धीरे डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो ब्लैक की पोजीशन प्लस दिख रही है 1.36 डिग्री, तो ये गेम ब्लैक के फेवर में है। ओके दोस्तों, ये था नाइट c3 वेरिएशन। यहाँ पे वाइस थर्ड अल्टरनेटिव e3, क्या होता है e3 में आपको तुरंत e5 करना है सेंटर ब्रेक। वाइट टेक्स करेगा पॉन, बिशप टेक्स, यहां पे आपको ed4 कर देना है। वाइट टेक्स करेगा ed4, क्योंकि क्वीन एक्सचेंज होने के बाद सेंटर पॉन आइसोलेटेड, और एंड गेम में ब्लैक को थोड़ा सा एडवांटेज, इसीलिए ed4। यहां पे आपको खेलना है बिशप d6, वाइट खेलेगा नाइट f3, यहां आपको सिंपल रिप्लाई देना है nf6। दोनों साइड से कैसलिंग देख लेते हैं हम। रिप्लाई देगा व्हाइट नाइट c3, यहां आप खेल सकते हो नाइट c6, h3, और हम भी सामने h6, सिमिलर मूव। दोस्तों ये हो गए 9 मूव कंप्लीटेड। ये पोजीशन आने के बाद दो चॉइसेस है व्हाइट के पास बेस्ट, एक तो क्वीन c2। चलिए फिर से देख लेते हैं, क्योंकि पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। यहां पे हम c4 कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद हमने देखा e3, यहां पे e5, बिशप टेक्स पॉन, कॉन्टेक्स पॉन, सारे मूव फोर्सेस है दोस्तों। बिशप d6 ये आपको तुरंत डेवलपमेंट का मूव दिखेगा। नाइट f3 के सामने नाइट f6 मोस्टली खेलते हैं, कैसल कैसल हो जाएगा। नाइट c3, नाइट c6, h3, h6, इतने मूव होने के बाद यहाँ पे व्हाइट के पास दो बेस्ट चॉइस होती है, क्वीन c2 और दूसरी चॉइस है a3। एक चॉइस a3 है और एक चॉइस हम देखते हैं क्वीन c2 सेंटर c4 पे प्रेशर बनाने का। यहाँ पे मैं रिप्लाई दूंगा आपको नाइट b4 अर्ली अटैक टू द क्वीन। तो नाइट b4 में qb1 बेस्ट चॉइस होती है, आपको खेलना यहाँ पे बिशप e6। आफ्टर व्हाइट
takes your bishop, then pawn takes bishop, rook e1, यहाँ आपको खेलना है क्वीन e8, नाइट e4, नाइट bd5, बी वाला नाइट d5, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये गेम में, आइसोलेटेड पॉन दोनों की ओर से है और सेंटर में आपका पॉन भी है d4 पे है, लेकिन पोजीशन में इक्वल दिखा रहा है, देखो गेम कंप्लीटली इक्वल है एंजिन पोजीशन। चलिए a3 में आप क्या रिप्लाई दोगे, जब क्वीन c2 अगर व्हाइट ने नहीं खेला और यहाँ पे व्हाइट ने सपोज 10th मूव a3 कर दिया, तो यहाँ आपको बिशप f5 करना है ना कि बिशप e6। बिशप f5 व्हाइट खेलेगा re1, उसके बाद आपको खेलना है a6, व्हाइट खेलेगा b4 और रुक e8। ये पोजीशन से आप खेल सकते हो ब्लैक से, यहाँ भी इक्वल है 10th मूव और ये हो गए 12th मूव, 12th मूव तक इक्वालिटी है। आगे की गेम जो होती है वो आपके अपने मेथड पे होती है, आप कौन सी टैक्टिक्स करते हो, कैसे गेम विन करते हो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सेंट्रल वेरिएशन दिखाने वाला हूँ, तो हम सारे मूव्स d4 अगेंस्ट तैयार कर लेंगे और ब्लैक से जबरदस्त खेलेंगे। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।